Hey guys, this is Alisha. Welcome back to my channel. So today we are here at Lhasa Market Patna, and this is another video from Kudos Street Fashion. And this market is just perfect for woollen clothes, and this is set up by Tibetan Refugees Association, which is people from Tibet. And this market lasts for around 3 months, starting from November, which is the onset of winters. And around 60-70 stores lag chuke hain, aur bhi lagne baki hain, aur yahan aapko har tarike ke woollen clothes available hain. So yeah, let's go and we'll explore each and every stall, and I'll be giving you an overview of Lhasa Market 2019. Let's go. So this is the main entrance of Lhasa Market, जो हर साल ISKCON temple के opposite बुद्धा मार्ग में, which is near to Patna Railway Station में set up किया जाता है. Before entering, just keep these things in your mind. And yes, no smoking. तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ किस range में और क्या-क्या options available हैं. There are lanes and lanes in Lhasa Market, और हर लेन में बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं with unique stall numbers, and I will mention the best out of the best stall number in the description box. हर एज ग्रुप के लिए यहाँ वुलन क्लोथ्स के खूब सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एंड लेट मी ऐड वन मोर थिंग कि बारगेनिंग की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये मार्केट फिक्स्ड प्राइस मार्केट है. तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लेजर फॉर लेडीज़, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ब्लेज़र के कलेक्शन बहुत ही अच्छे थे. बात करें अगर कलर्स की या पैटर्न्स की, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सारे पेस्टल कलर्स, पीच कलर्स और न्यूड कलर्स के ब्लेज़र का कलेक्शन बहुत ही अट्रैक्टिव था. इतने सारे वेराइटीज़ अवेलेबल हैं कि आप अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग या बजट के अकॉर्डिंग ब्लेज़र ले सकते हो. देयर वर सम स्पेसिफिक स्टॉल्स जिनके ब्लेज़र कलेक्शन अमेजिंग थे. मैं उन सारे स्टॉल के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड ऑल्सो द ब्लेजर्स लुक्ड एक्सट्रीमली रिच. सम ऑफ द लॉन्ग ब्लेजर्स जस्ट मेल्टेड माई हार्ट एंड आई स्टार्टेड इमेजिनिंग माई सेल्फ वेयरिंग दैम. सो ओवरऑल मैं लहासा मार्केट को 5 out of 5 दूंगी व्हेन इट कम्स टू ब्लेजर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द रेंजेस, तो 1000 से शुरू होके इट कैन गो टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹5000, बट अकॉर्डिंग टू मी यू कैन गेट अ डिसेंट एंड अ ट्रेंडी ब्लेजर इन एंड अबाउट 2000 to 2500 rupees. एंड मैं बता दूँ, आप थक जाओगे इस मार्केट में, लेकिन अच्छी बात तो ये भी है कि पास में ही जंक फूड स्टॉल भी होता है. एंड आई हैड समोसाज देयर द मोमेंट आई एंटर द लहासा मार्केट कैंपस. एंड मुझे यहाँ पे एक ब्लेजर इतना पसंद आ गया, इट वॉज इन ब्लैक. इट वॉज लेस लाइक अ ब्लेजर, मोर लाइक समथिंग आई हैव सीन ऑन H&M. आई इंक्वायर्ड द प्राइस एंड एवरीथिंग अबाउट इट, एंड इट वॉज अराउंड 2500 rupees, विच आई थॉट वॉज अ लिटिल प्राइसियर, बट दे वर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द साइजेस. सो इफ यू विश, आप ले सकते हो. मूविंग ऑन, अगर मैं स्टॉल्स के या मफलर के कलेक्शन की बात करूँ, तो वो भी अप टू द मार्क थे. फैब्रिक वाइज भी दे वर एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड अपीयर्ड रियली कोजी. वेरी सॉफ्ट पिंक कलर्ड मफलर लुक्ड एब्सोल्युटली क्यूट, एंड आई हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन विद द स्टॉल ओनर अबाउट द रेंजेस, एंड गॉट टू नो दैट द वेरी सॉफ्ट मफलर स्टार्टेड विद द रेंज ऑफ जस्ट ₹150 एंड मैक्सिमम 300 तक जाते हैं. शॉल्स एंड स्टॉल्स के कलेक्शन भी बहुत ही अच्छे थे. लड़कियों वाले स्टॉल्स हों या फिर मम्मी लोग के शादी या फंक्शन वाले शॉल्स भी बहुत अच्छे थे. डिजाइन वाइज एंड फैब्रिक वाइज यू कैन श्योरली गिफ्ट इट टू योर मॉम. शॉल्स 200 से शुरू होकर 1200 तक जाते हैं, एंड 1200 में यू कैन गेट द पार्टी वाला शॉल, सो इट्स वर्थ द मनी. कलर और डिजाइन की बात करूँ, तो आई विल गिव 4 out of 5 टू मफलर कलेक्शन. लाइट कलर हो या फिर एनिमल प्रिंट वाले मफलर्स वर जस्ट फॉर ₹200. मैं हर लेन में गई एंड ऑलमोस्ट सारे स्टॉल्स को एक्सप्लोर किया, एंड एवरी नेक्स्ट पर्सन वॉज थिंकिंग दैट आई वॉज फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल. सो वाइल एक्सप्लोरिंग मैंने ये नोटिस किया कि लहासा मार्केट के श्रग्स स्टाइल स्वेटर्स एंड पोंचूज के कलेक्शन भी बहुत ही अच्छे थे. कलरफुल श्रग्स वर लुकिंग रियली क्यूट, एंड आई ऑल्सो फाउंड सम ऑफ द श्रग्स जो आप गर्मियों में भी कैरी कर सकते हो. द रेंज टू बाय श्रग्स एंड पोंचूज वॉज इन बिटवीन 800 to 1300. सम ऑफ द श्रग्स वर हैविंग अजीब सा ब्रूच इन बिटवीन, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट यू कैन रिमूव इट एनी टाइम. पोंचूज भी बहुत प्यारे कलर्स और डिजाइन में अवेलेबल थे. सो ओवरऑल इट वॉज 4 out of 5 फ्रॉम माई साइड टू पोंचूज एंड श्रग कलेक्शन.
ऐसे एक भी लेन नहीं थे जहाँ आपको अच्छे वुलन क्लोथ्स नहीं मिल सकते थे. ऑल ऑफ देम वर हैविंग गुड स्टफ्स, ना सिर्फ गर्ल्स के लिए, देयर वाज अ गुड कलेक्शन फॉर गाइज एज वेल. लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, स्वेट शर्ट एंड हुडीज वर एक्सट्रीमली कूल. सम स्टॉल्स वर टू गुड, वाइल सम वर मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स एज द जैकेट्स वर ओवर प्राइस्ड. There was a stall full of men's jackets and stuffs, which I'll mention in the description box. I talked to many stall owners and came to know ki range 2000 se shuru hoke 6000 even 8000 tak jaate hain. So for guys, main yahi suggest karungi ki shop smartly and before buying, explore the market completely and try to get your hands on the best deal, as there were many flattery overpriced jackets. There were some really really cute jackets, sweaters and sweatshirts chote bachcho ke liye, and I really liked some of them. They looked trendy and cute AF, and the range for it was in between 1000 to 1500, which was pretty affordable. So yeah, that's it for today's video. I hope you all enjoyed it and found it helpful. And if I have to give one piece of advice, then I would say before buying, just check the fabric quality and please have a clear picture in mind in what way you're gonna style it. So if you enjoyed the video, don't forget to hit like, share and please subscribe to this channel. I love you guys. Bye bye.